प्रियंका, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का सर आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं तीन जो टैंक हैं आईडीएफ के वो भी तबाह हो गए, 8 सैनिकों की मौत हो गई है, क्या यहाँ से आईडीएफ का या इसराइल का कॉन्फिडेंस जरा सा भी हिलेगा? क्या उनको लगेगा कि भाई खतरा है आगे बहुत ज्यादा? और हमने ग्राउंड ऑपरेशन का एक कदम उठा के कहीं एक बड़ी मुसीबत तो अपने सर नहीं मोल लिए? देखिए, बैटलफील्ड में जब कोई भी टैंक रेजिमेंट इंडक्ट होती है तो हर जवान, हर टैंक कमांडर, हर गनर, हर सिग्नलर, हर ड्राइवर और हर टैंक के अंदर एक लोडर होता है, उसको मालूम है कि दुश्मन भी एंटी टैंक वेपन लेकर, एंटी टैंक हैंड हेल्ड मिसाइल लेकर बैठा हुआ है, आरपीजी लेकर बैठा हुआ है उसके टैंक को ध्वस्त करने के लिए। तो किसी भी आर्मर्ड रेजिमेंट में जब वो जाते हैं तो सबसे पहले सुनिश्चित करते हैं कि दुश्मन का कोई फॉरवर्ड स्क्रीन, यानी दुश्मन की जो फॉरवर्ड रेकी बटालियन है, रेकी ट्रूप है, वो कहीं जंगल के पीछे, पत्थर के पीछे, पहाड़ के पीछे, नाले के अंदर छुपी तो नहीं है। देखिए, जब एक टैंक कमांडर आगे बढ़ता है तो उसकी विजिबिलिटी बहुत पुअर होती है, वो टैंक के अंदर है, सामने एक स्कोप लगा है, उस सामने देख रहा है, तो एडवांटेज जंगल के अंदर, पहाड़ के अंदर होता है दुश्मन के साथ। दुश्मन के मात्र एक या दो कमांडो अगर महज 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सामने पत्थर के पीछे, जंगल के पीछे छुपे हुए हैं और उनके हाथ में एंटी टैंक आरपीजी जैसे वेपन्स हैं, तो टैंक कमांडर जो है बहुत प्रिकॉशन लेता है। लेकिन शहादत के लिए हर सोल्जर तैयार रहता है, उसको मालूम है कि वो, उसका साथी, उसका कमांडर या उसका सबोर्डिनेट युद्ध भूमि में कभी भी शहीद हो सकता है, इसके लिए मानसिक तरीके से वह हमेशा तैयार रहता है। कर्नल सिंह हमारे साथ है, इसके अलावा जनरल संजय सोई और विंग कमांडर प्रफुल बख्शी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन कर्नल सिंह, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं अब तक, लेकिन एक जो मन में सवाल है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था तब भी उनकी खुफिया एजेंसी को जानकारी नहीं लग पाई, ईरान ने जब रातों रात हमला किया तो भी जानकारी नहीं लग पाई, फेलियर है इसराइल की खुफिया एजेंसी जो सबसे स्ट्रांग मानी जाती है? जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि यस, इंटेलिजेंस फेलियर अगर ना हो तो इस तरह के अटैक होंगे कैसे? बिल्कुल, अटैक अपने आप में होना एक तरीके से इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर प्रेशर आता है, फेलियर के एक्यूजेशंस आते हैं, ब्लेम गेम आती है, सब कुछ आता है। बट एट द सेम टाइम बात यह होती है कि अगर दसियों साल से अगर आपके और उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सडनली आप देखें कि पाकिस्तान कारगिल जैसा काम कर दे, तो एक अपने आप में इंटेलिजेंस फेलियर, धोखाधड़ी या जो भी आप बोलना चाहें आप उसे बोल सकते हैं। आई थिंक जो 7 अक्टूबर को हुआ वो हमास ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक धोखाधड़ी करी है, एक वो चीज़ कर दी कि जहां पर पूरी की पूरी इसराइल एक फेस्टिव सीजन में थी, अपने नए साल की तरफ बढ़ रही थी, एक म्यूज़िक कंसर्ट चल रहे थे और जो हर साल होते चले आए हैं, सो उसके बीच में इस तरह का कोई भी अटैक करना, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू को आज भी ब्लेम किया जाता है कि आपने ये होने दिया, इतनी अच्छी एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होने के बावजूद आप कॉम्प्लेसेंट हो गए, आपने उतना ध्यान नहीं रखा कि आपके ऊपर 24 घंटे खतरा मंडराता है, आपका मतलब इसराइल के ऊपर, इसराइल के ऊपर, उसी को भापने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र सर आप यहां पर कर रहे हैं, लगातार हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी प्रियंका और अनामिका पांडे भी मौजूद है, लेकिन इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन इंतकाम की, क्योंकि ईरान ने इसराइल पर जब हमला किया है इसके बाद अब इसराइल जो है इंतकाम की आग में जल रहा है और पूरी प्लानिंग कर ली गई है कि ईरान पर पलटवार किया जाए। और लगातार हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है इसराइल पूरी प्लानिंग और रणनीति तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यानी कि मंगलवार को ईरान की तरफ से इसराइल पर हमले किए गए थे, इसराइलों के जरिए अटैक किया गया था। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 2 अक्टूबर की ये तस्वीर है जब ताबड़तोड़ मिसाइलों के जरिए अटैक किया गया था, बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर बौछार कर दी गई थी ईरान की तरफ से और इसके बाद से ही इसराइल और बदले की आग में है और चेतावनी भी इसराइल की तरफ से दे दी गई है, कह दिया गया है कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे लेकिन हम सही समय और सही जगह का इंतजार कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल के टेल अवीव में ड्रोन हमला हुआ है और कामिकाजी ड्रोन से यह हमला किया गया है। टेल अवीव में ड्रोन
से हमला हुआ है, कामिकाजी ड्रोन से यह हमला हुआ है। आपको याद होगा यूक्रेन पर भी रूस हमले करने के लिए कामिकाजी ड्रोन का ही इस्तेमाल कर रहा था और अब इसराइल में भी कामिकाजी ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। इसराइल के टेल अवीव पर ड्रोन अटैक हुआ है, तस्वीरें सामने आई हैं और इसी तरीके से ड्रोन अटैक इसराइल की ओर से हिजबुल्ला के ठिकानों पर भी जारी है। वहीं दूसरी ओर इसराइल को भी अब ड्रोन अटैक का सामना करना पड़ रहा है। कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया गया है, ये वो ड्रोन है जिनका इस्तेमाल यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान भी किया जाता रहा है। रूस ने यूक्रेन पर अलग अलग जगहों पर हमले करने के लिए कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया था और ऐसे में इसराइल में कामिकाजी ड्रोन से हमले कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि ये ड्रोन आखिर आए कहां से और जितने भी हमले किए हैं क्या रशिया से कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल इस अटैक में किया गया है और ये ड्रोन इस्तेमाल किया जाता रहा है इसके पहले यूक्रेन में भी अलग अलग जगहों पर हमले के लिए। और ये ऐसे ड्रोन हैं जो टारगेट पर जहां निशाना लगाकर हमले करते हैं वहां नुकसान तय। और इसी बीच आपको बता दें आतंक के खिलाफ गाजा से शुरू हुई जंग अब धीरे धीरे महायुद्ध में बदल रही है और आपको बता दें लगातार बार बार ये कयास लगाए जा रहे हैं क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ऐसे में आज दोनों ही तरफ अब देख रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है दो खेमों में बटी हुई दिख रही है, अलग अलग राय सामने आ रही हैं अलग अलग देशों की। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ मौजूदा स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इज़राइल पर ईरान की बम वर्षा, तेल अवीव से तेहरान और यूएन तक चर्चा। Yesterday, Iran launched approximately. Israel ko America ka saath. The answer is no. Right now, Netanyahu nahi sunenge kisi ki baat. आतंक के खिलाफ इसराइल की जंग अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से विश्व युद्ध की शुरुआत सिर्फ एक नाजुक डोर पर टिकी है। हालात इतने गंभीर हैं कि आनन फानन में यूएन को अपने यहां बैठक बुलानी पड़ी और इस बात पर जोर देना पड़ा कि अब मिडिल ईस्ट में जंग की आग को धधकने से रोकना ही होगा वरना मिडिल ईस्ट इस आग की दुनिया में भस्म हो जाएगा। ईरान के मिसाइल अटैक ने तो जैसे इसराइल को वो मौका दे दिया जिसका वो इंतजार कर रहा था, वो मौका जहां वो अब सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को निशाने पर लेगा। इसराइल के सुरक्षा कैबिनेट ने ईरान के इस हमले का जवाब देने का मन बना लिया है। कैबिनेट ने तय किया है कि वो अमेरिका के साथ समन्वय बैठक के बाद अगली रणनीति पर फैसला करेगा। माना जा रहा है कि इसराइल ईरान में रणनीतिक स्थलों को अब निशाना बनाना चाहता है। यहूदी धर्म के नए साल रोश हशाना पर हुए इस हमले के बाद खुद इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से में हैं। बुधवार को अपने देश को नए साल की बधाइयां देने के साथ ही उन्होंने एक खास संदेश भी दिया और अपने लोगों से कहा कि ये साल पूर्ण विजय का है। अब इसराइल की धमकी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर भी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई ये ना समझे कि वो इसराइली हमले से डर कर किसी बंकर में छिपे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुद जुमे के दिन होने वाली नमाज की अगुवाई करेंगे। अब मिडिल ईस्ट में जंग धधकती आग पर रूस ने मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर चिंता जताई। ईरान के हमले के बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेशको ने इसराइल की निंदा की और कहा कि मिडिल ईस्ट में हालात अब लंबे समय से आशंकित क्षेत्रीय युद्ध के करीब पहुंच गया है।
ईरान के हमले के बाद इसराइल ने पलटवार करने का फैसला किया और ये पलटवार ईरान के लिए घातक भी हो सकता है, खासकर नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इसराइल की ताकत समझ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।